अस्सलामुअलैकुम। तो वैसे तो हर वक्त अल्लाह का है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिसमें हमारी दुआएं रद्द नहीं होती बल्कि कबूल होती हैं। वो कुछ वक्त मैं आपको आज बताऊंगी। सो वेलकम टू माय चैनल। टुडेज वीडियो टॉपिक इज 10 टाइम्स प्रेयर आर एक्सेप्टेड। जो ये जो 10 वक्त होते हैं इसमें दुआएँ कभी भी रद्द नहीं होती, कबूल ही होती है, कबूलियत की गाड़ी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फ़र्ज नमाज। जी हाँ, हम नमाज़ें पढ़ते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और लास्ट में जब पूरी नमाज मुकम्मल हो जाती है फिर दुआएं मांगते हैं। तो आप मांगते हैं, आप मांगें, लेकिन जब आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ की नियत करी, फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल कर ली, उसके बाद चाहे आप 2 रकात नमाज़ फ़र्ज़ पढ़ी या फिर 4, ठीक है, या फिर 3, उसके बाद आप सर पे हाथ रख के आयत कुर्सी पढ़ते हैं, उसके बाद तस्बीह पढ़ते हैं एंड 4 आप दुआ मांगते हैं। ये बेस्ट तरीका है और ये राइट तरीका है। इसमें जब आप दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआ कबूल होती है। सेकंड, अजान और क़याम के बीच। जी हाँ, जब अजान होती है उस वक्त आपकी दुआ कबूल होती है, क्योंकि उस वक्त को इकामा कहते हैं। ठीक है, तीसरा, तहज्जुद के वक्त। तहज्जुद के वक्त अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करता है, रद्द नहीं करता, क्योंकि उस वक्त जो बंदे नमाज के लिए खड़े होते हैं वो उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। और अल्लाह कहते हैं, अल्लाह सातवें आसमान पर आता है और देखता है कि कौन उसके लिए खड़ा है, यू नो, नमाज पढ़ रहा है। तो इसलिए उस वक्त की गई दुआ रद्द नहीं होती। चौथा, जब बारिश हो रही होती है। जी हाँ, बारिश में कभी भी दुआ रद्द नहीं होती। बारिश के वक्त आप दुआ मांगे, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। कुरान पढ़ते वक्त जब आपने कोई आयत पढ़ी या फिर कोई सूरत पढ़ी या फिर कुरान मुकम्मल किया, उसके बाद की दुआ कभी रद्द नहीं होती, कबूल होती है। ट्रैवलिंग के वक्त जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तब आपकी दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। ठीक है, तो जब भी आप सफ़र पे जाएं इंशाल्लाह दुआ करें, आपकी दुआ कबूल होगी। 7, डेथ यानी कि मौत के वक्त। जब आखिरी सांस इंसान ले रहा होता है उस वक्त की गई दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। उस वक्त वो शख्स तो अगर दुआ मांग ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस वक्त वो इतनी तकलीफ़ में होता है कि वो दुआ नहीं मांग सकता, लेकिन आसपास खड़े लोग अगर मांगे तो उनकी दुआ भी कबूल होती है। ठीक है, 8, जमजम पीते वक्त। जी हाँ, जमजम वाटर जब हम पीते हैं तो उस वक्त दुआ कबूल होती है, वो कबूलियत का वक्त होता है। वैसे जब जमजम पिए आप तो दुआ मांगे, वो तो सबको पता, हम सब मांगते हैं जब हम जमजम पीते हैं। तो आप जमजम पिए तब दुआ मांगे, और यू नो जमजम के कुएं के पास भी हैं तो दुआ मांगने वो कबूल होती है। इफ़ यू आर लकी टू बी देयर, है ना, जो लोग वहाँ होंगे वो बहुत खुश नसीब होंगे, इंशाल्लाह हमें भी जाने का मौका मिले। 9, जिहाद के वक्त। जी हाँ, जब कोई जिहाद के वक्त दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। द लास्ट मोमेंट, जो कि फ्लर्सेस्ट का लास्ट मोमेंट होता है उस वक्त। 10, फास्टिंग। जब हम रोज़े रखते हैं यानी कि सहरी के वक्त की गई दुआ और इफ्तार के वक्त की गई दुआ कबूल होती है। जब हम रोज़े रखने की नियत करते हैं उस टाइम जो हम दुआ मांगेंगे वो दुआ कबूल होती है, और जब हम इफ्तार के वक्त दुआ मांगते हैं तो वो दुआ कबूल होती है। ये कबूलियत के वक्त हैं, ये 10 टाइम्स जो हैं ये कबूलियत के हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस्लामिक वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।